साहब जी हाँ? जे रहा बिल्ली मैन का ड्रेस इसके रूम से मिला है। ओहो ओके, तो सेठ जी सीसीटीवी की फुटेज और कुछ चश्मदीद गवाह से यह तो साबित हो रखा था कि आपकी बेटी का किडनैप जो वो बिल्ली मैन ने किया था, पर अब बिल्ली मैन की ड्रेस आपके नौकर के कमरे में मिली है, तो इसका मतलब अब पिंकी जी क्या निकाले ये पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे इसका क्या मतलब है भाई, मैंने ही इस लड़के को बोला था बिल्ली मैन बनने के लिए। हाँ है? ओहो अच्छा, इसका मतलब ये हो रखा है कि कहानी में ट्विस्ट हो रही है। अरे कौन से ट्विस्ट की बात कर रहे हैं दरोगा जी आप? यानी कि आप यानी लड़की का बाप अपने नौकर को बिल्ली मैन बनाकर अपनी ही बेटी का किडनैप करने को कहता है। दिमाग खराब हो गया है आपका? अरे मैं अपनी बच्ची का किडनैप क्यों करवाऊंगा, बात कर रहे हैं बेकार की आप। पिंकी जी की थ्योरी तो यही कह रही है। प्रैक्टिकल तो क्या नहीं है, थ्योरी की बात करता है सारा। साहब जी मैं पूछ रहा था कि आपकी थ्योरी क्या कहती है। अरे दरोगा जी, आप हम लोगों पे शक करने की बजाय इलायची को क्यों नहीं ढूंढते? देखिए भाभी जी, ऐसा है कि पुलिस की तो फितरत होती है शक करने की। हाँ तो पंचम, तुम अपना जुर्म यही कबूल करते हो या थाने ले जाकर तुम्हें उजेड़े पिंकी जी? हमारा यकीन कीजिए, हमने इलायची जी को किडनैप नहीं किया है। हाँ हाँ दरोगा जी, हम भी तो यही बात कह रहे हैं, हम पे तो यकीन कीजिए आप, गुगु ने इलायची जी को किडनैप नहीं किया है। मतलब पिंटू जी आप कह रहे हैं तो हाँ, तो मान लेते हैं पिंकी जी, मान लेते हैं, आपको कैसे मना कर सकते, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह रखी है कि हम पंचम को 2 घंटे की मोहलत देते हैं, इस 2 घंटे में जाके ये इलायची को ढूंढ के ले आए और अपनी बेगुनाहित को साबित कर दे, और तब तक आप हमारे यहाँ। जी क्या? नहीं मतलब कि रिपोर्ट करती रहेंगी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। शिव जी हम इलायची जी को ढूंढ के लाएंगे। सॉरी सेठ जी, ढूंढ के ही लौटना। पता है मुझे जिंदगी में दूसरी बार प्यार हुआ है। पहली वाली ने तो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। सच्ची? फिर मुझे ना तुमसे प्यार हो गया। अब तुम भी अगर मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज ऐसा मत कहो ना, तुम मर गए तो मेरा क्या होगा? हाँ क्या 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 मतलब? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? मेरा नाम रमेश नहीं सुरेश है। सच्ची? तो नाम में क्या रखा है? नाम तो वैसे भी बदनाम हो जाते हैं ना। मैं भी बदनाम होना चाहता हूँ। तो प्लीज हो ना, मैंने कौन सी कसम दी है तुम्हें रोका है, प्लीज। तुम भी मेरे साथ बदनाम होना चाहती हो? चल बे। हाँ? मतलब हाँ हाँ मैं बदनाम होना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। हाँ कैसे? मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके ना, और तुम भी ले लेना आशीर्वाद, फिर हम भाग चलेंगे। हाँ लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा मुझ जैसे पागल से तुम्हारी शादी कैसे करेंगे? हाउ? अरे ऐसे करेंगे क्योंकि वो भी पागल है यार, मतलब ऑसम। तब तो खूब मजा आएगा, खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे मैं तुम्हारे मम्मी तुम्हारी पापा। नाइस। बेटा तू चल, तू चल एक बार मम्मी पापा के पास, तुझे मार मार के बिल्ली से चूहा नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी इलायची नहीं। चले। पापा, मम्मा, पापा,
बच्ची, बच्ची। इलायची, 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 इलायची। कैसे मेरी बच्ची? इलायची। जीजा जी कहाँ है? वो तो आपको ही ढूंढने गए थे, मिले नहीं। अरे सुन इलायची, ये नौजवान कौन है? अच्छा अच्छा, इसी नौजवान ने तुझे बचाया है। भाई नौजवान, हाँ मेरी बच्ची को तुमने बचाया है, उसके लिए भाई तुम्हारा इनाम बनता है, ये लो 100 रुपए। नहीं मुझे इनाम नहीं चाहिए। अरे तो फिर क्या चाहिए? मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, खुश रहो खुश रहो। आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है यहाँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। खुश रहो 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 खुश रहो। कंपल करो तो और बता। ससुर जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मम्मी कसम। करू? हाँ? लड़का तो अच्छा है। पापा? हाँ? ये वो बिल्ली मैन, ये मुझे उठा के ले गया था मम्मी। मैं कब उठा के ले गया था? तुम खुद ही मेरे साथ वहां से चल दी थी मटक मटक के। अबे वो तो मुझे लगा कि जीजा जी है यहाँ। पापा, वो तो मुझे लगा कि मैं नींद में थी और इसने मेरी नींद का फायदा उठाया और मुझे उठा के ले गया। बे ओए, मैं तुझे बता रहा हूँ, अभी तेरी पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। हाँ। और इतनी मरम्मत करवाऊंगा कि तेरी सारी आज की निकल जाएगी। अभी बात कर रहा है बेकार की। मेरी आशिकी तो तेरी बेटी के साथ शादी करने के बाद ही जाएगी और अपनी बेटी का कन्यादान करेगा तू बुड्ढे। और ये मोटी, हेलो, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू क्यों इसकी बातें अपने दिल पे ले रही है? इसने मुझे भी तो बुड्ढा कहा है। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, नो नॉनसेंस। अगर तूने अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं की ना, तो ये चाकू तेरे तोंद में घुसेड़ दूंगा और सारा मटेरियल बाहर निकाल दूंगा। अबे ओए, हमारे होते हुए सेठ जी का कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसके लिए तुझे हमारी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, समझा? I don't mind. अरे पापा, पंचम, पंचम तूने ये क्या किया? सेठ, ये हमारा फर्ज था सेठ जी, हमने आपका नमक खाया। मरना मत, मरना मत। सेठ जी, सेठ जी, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। सेठ जी, क्या 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 कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं सेठ जी? ये लो, ये लो, ये लो। क्या है सेठ जी? ये लो का मतलब I love you. जीजा जी, जीजा क्या क्या हो रहा है? अरे यार जीजा छोड़ो, नकली आई आ रही है, उठो यार। अबे चलो चल, चल जा, बात कर रहा है बेकार की यार। क्या नकली चाकू है ये? देखो चाकू भले ही नकली हो, पिंकी दरोगा बिल्कुल असली हो रखे। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, आप बहुत सही समय पे आए हैं। यही है वो बिल्ली मैन, यही है, इसी ने पूरे चांदनी चौक पे अपना रायता फैला रखा है। धर लो साले को, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं। इलायची, आई लव यू, लव यू टू। अबे बिल्ली मैन, तुझे तो थाने जाके पिंकी जी बताएंगे आई लव यू क्या होता है, वो भी प्रैक्टिकली। मंगीलाल पकड़ ले इसको, चल लेके आजा बेटा, लेके चल इसको भागे से। आई लव यू बताते कैसा होता है। अच्छा हुआ कि ये बिल्ली मैन पकड़ा गया। हाँ, और इसका ना सारा क्रेडिट ना सिर्फ और सिर्फ मुझे जाता है। थैंक यू जीजा जी, जी, जी। कितने क्यूट है जीजा, तो चाकू लग गया। अरे आजा,
चाय कैसी है इलायची के पापा? कैसी होती है चाय? वैसी है। इलायची के पापा, आज है ना मैंने अपने लिए सूट पीस लिया है। अच्छा, क्या है ना सारी जिंदगी मैंने साड़ी में निकाल दी, तो सोच रही हूँ कि सूट पहन के देख लूं। एक बात बता, पूरी जिंदगी तू रोटी खाती रही ना, अब क्या घास खाने का इरादा है? बात कर रही है बेकार की। इलायची के पापा थोड़ी सी अलग लगूंगे ना। अरे कुछ अलग लगने की जरूरत ना है, हैं? वरना ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी पराई औरत के साथ रह रही हूँ। मेरे तो भाग्य फूट गए। इलू, इलू, इलू जल्दी आ। अरे क्या हुआ सुनीता, क्या बात हो गई? हाँ क्या हो गया यार, सुबह सुबह लाउड स्पीकर की तरह बज रही है, क्या हुआ? इलू मैं ना बाजार से आ रही थी और मुन्ना सबर वाला उसके दोस्तों ने मुझे बहुत छेड़ा, बड़ी बदतमीजी की मेरे साथ। क्या तो वही अपनी चप्पल उतार के कोट नहीं दिया उन तमीजों को? अरे ये तो हो रहा ही था सेल्फी, जब ऐसे बेहुदा कपड़े पहन के बाजार में निकलेगी तो लोग तो छेड़ेंगे ही। क्या बात कर रहे हो पापा, उसकी ड्रेस पे थोड़ी ना लिखा क्या हो मुझे छेड़ो। अरे लिखा ना है, लेकिन जितने लड़की के छोटे कपड़े उतने ही लड़कों की आंखें बड़ी। मैं तो इसके भले के लिए कह रही हूँ, और क्या, ठीक है? पापा प्लीज, दोष छोटे कपड़ों का नहीं बल्कि छोटी सोच का है, और वो ही बदलनी है। सन, इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं ना जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, चल तू मुझसे एक बात बता कि बाजार में और भी तो लड़कियां थी, इसे ही क्यों छोड़े अकेला उसने? अरे तो ऐसे लफंगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, इतने घटिया लोग होते हैं ये। और आज सुनू थी, कल अगर मैं होती ना तो मैं बताती हूँ उनका मुंह तोड़ देती मैं। अरे कोई ऐसी बातें ना करने की जरूरत है, मुंह तोड़ देती है ये कर देती। अच्छे कपड़े पहनो, ढके कपड़े पहनो, संभल के एकदम अच्छी तरह से निकलो बाजार में, तो झंझटों में पड़ने की जरूरत ही ना पड़े। बात कर रही बेकार की। सही कह रहे तेरे पापा इलायची, अरे कोई जरूरत नहीं है उन गुंडे लड़कों से बैर लेने की, वरना तेरा ही आना जाना मुश्किल कर देंगे। देखो तन ढका मतलब समझो सबका मन ढका। सीरियसली मम्मी, आप इतनी गलत बात में पापा की साइड ले रही हो, ये उम्मीद नहीं थी आपसे, आप भी तो एक औरत हो यार। छोड़ इलू रहने दे, मेरी गलती होगी, मैं ना कपड़े बदल देती हूँ जाके, अंकल जी सही कह रहे हो। नहीं सुनू, तू कपड़े नहीं बदलेगी बल्कि इन लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा आपकी। चल सुनो। सुन, मेरे कौन से टंटे हो रखे हैं? मेरे तो भाग्य फूट गए। क्या कर रहा है यार छोटे तू, है कैसे आज चला रहा है, नाश्ता करके ना आया क्या आज? सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो, मैं कितनी मेहनत से कर रहा हूँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हारी मूड की भाप क्यों उड़ रही है, है? फालतू की बेबात की तानी मार रहे हो, मैं कितनी मेहनत से कर रहा हूँ, बढ़िया। दिमाग खराब हो गया मेरा, चांदनी चौक जो है रहने लायक जगह ना रही, मैं तुझे बता रहा हूँ छोटे। अब और इलायची कैसी है? जहरीली नागिन जैसी है, डसलेगी तुझे, जा डस वाले। मेरी बात सुनो, बात क्या होगी मुझे खुल के बताओ पूरी बात। बात ये हो रखी है कि अब जो है हमारे घर की बहन बेटियां जो है ना बिल्कुल सुरक्षित ना रही, अब बाहर ही ना निकल सकती हैं वो आराम से। अब तू सोच ले, आज की बात है, वो मुन्ना है ना मुन्ना, मुन्ना ने आज जो है सुनीता को छेड़ दिया। अब बता, आज सुनीता को छेड़ा, कल इलायची को छेड़ेगा, परसों इलायची की माँ को छेड़ देगा। परसों तक ना जाओ, परसों मतलब? क्यों क्या हुआ? परसों मतलब, अरे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मुन्ना कौन, वो सबरवाल का भतीजा? हाँ वही तो। अरे सेठ जी मेरी बात मानो, बहुत कसम से कह रहा हूँ, बहुत बदमाश आदमी है, इलायची से कहना ध्यान रखे अपना भैया। हाँ भाई, कौन किसका ध्यान रख रिया है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, क्या चल रहा है ये आपके रहते चांदनी चौक में? बिट्टू हलवाई का हलवा, जैन शिकंजी, बल्ली मरान का फलूदा और पराठे वाली गली के पराठे, चल क्या दौड़ रही है सेठ जी चांदनी चौक में? और पूछ लो, क्या पिंकी जी का टेस्ट ले रही हो क्या आप सेठ जी? फर्रे चलाकर पास होने वाला इंसान तू टेस्ट देगा साले? साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आप जैसे अनुभवी इंसान का कोई टेस्ट ले सकता है क्या? हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है मंगीलाल। अरे दरोगा जी, आप दोनों का हो गया तो मैं अपनी शिकायत बताऊं? बिल्कुल,
ऐसा है सेठ जी कि अपना सारा इम्पोर्टेंट काम धंधा छोड़ के आप ही की तो दुखड़े सुनने आए हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा जी। हाँ जी। अरे वो सुनीता है ना, वो इलायची की सहेली, वो सेल्फी। अरे बताइए, रहा चलते उसे लड़कों ने छेड़ दिया। क्या? और वो छिड़ गई? अरे कैसी बात कर रहे दरोगा जी आप। हाँ मतलब पिंकी जी का कहने का ये मतलब हो रहा है कि वही लगाने थे ना दो दो गाल पे उनके, मतलब चलो जो हो गया हो गया। आप नाम बताओ, कौन है, कौन है, नाम तो बताओ। देखना पिंकी जी कैसे एक एक को पकड़ के अंदर डाल देते हैं। हाँ नाम बताओ। अरे मुन्ना सबरवाल का भतीजा, बड़ा आतंक मचा रखा है उसने चांदनी चौक में। कौन? वो मुन्ना वो वाला? ऐसा है शेर जी कि अगर कोई और होता ना तो पिंकी जी उसको पकड़ के ना पैसे पकड़ के अरे जा। अरे चुप, एक मिनट। अरे आराम से बैठे ना सर। इमोशन में भेजे तो क्या, पिंकी जी पकड़ के ना उसे अंदर कूद देते हैं उसको। लेकिन अभी जो मामला है ना, ये पिंकी जी के थाने के बॉर्डर के बाहर का मामला हो रहा है। पिंकी जी कुछ ना कर सकते, आप समझ रही हो ना। अबे यहाँ सब तेरी तरह दिमाग से पैदल ना है, सब समझते हैं साले। साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ ना, कुछ ना के मुंह बंद सील करिए, डंडा डाल ले मुंह में, कुछ कह मत। पंची जी सब समझ गए क्या कह रही है तू, कुछ नहीं बोलेगा तू अभी। फिर ये बात ऐसी है कि पिंकी जी ना अभी इस दलदल में ना पड़ना चाहते ना आना आना। वो है ना वो जो उन्ना, वो ठीक लड़का नहीं है। बच्चियों से जरा कहो, उन्हें समझाओ, उससे जरा दूर रहे। बचपन से दिल्ली में रह रही हो तू, कहाँ देख रिया पीछे? जब देखो पीछे देखकर, अच्छा अब हम चलते हैं, चलना। आइए हाँ इधर चल। हाँ जिधर बोलूंगा उधर चलना। बड़ा डरपोक आदमी है, कितना बना दिया दरोगा इसको। सेठ जी पहले रसोईया था, धोखे में बन गया दरोगा। उसकी छोड़ो तो, इसका मजा लो। देखो पहले ये सीढ़ी में क्या कह रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, आज तो बगल के बना दूँ। हाँ बना दे चल। अच्छा बना रही है खाना आजकल तू? अच्छा। अरे हाँ सुन, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बच्चों से कह दे शाम को थोड़ा कम निकला करें, उस सबरवाल का भतीजा है ना, खुले सांड की तरह घूम रहे हैं आजकल। अरे तो मेरे बच्चे का लाल कपड़ा है जो देखते ही सींग मारने लगेगा। तुम भी ना इलायची के पापा कुछ भी सोचते रहते हो। अरे कुछ भी ना सोच रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, तू समझा कर, जमाना खराब है, हैं? थोड़ा सा तो सावधानी बरतनी चाहिए ना। जी जी। अरे चटंकी भैया। अरे तू कर रही पहले। ला ला ला। अब हमारे कर। जी जी मैं आ गया हूँ। कभी कभी ये भी कह दिया करके जा रहा हूँ, दो चार महीने के बाद चकल दिखाऊंगा अपनी। हम तो चले जाएंगे, मगर जी जी का मन नहीं लगेगा, कभी कभी तुम्हारी चुगली भी तो करती ही है। चटंकी भैया ये सब छोड़ो ना, अब तुम खाना खाओ। जी जी खाना नहीं, जीजा से पैसे लेके मिठाई बटवा बटवा। अरे जरूर बटवाऊंगी, पहले बात तो बताओ क्या है। अरे बात क्या होगी, एक आध केस में जमानत मिल गई होगी इसे, और क्या। जीजा मुझे तुमसे कोई शिकायत ना है, इस उम्र में आदमी उठपटांग तो बातें करता ही है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो बच्चा बन जाता है। तुम बच्चे बन गए, बच्चा क्यों, बच्चे। तेरा कहने का मतलब क्या है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ? बुड्ढे बिल्कुल, राजेश खन्ना लग रहा है भाई तुम तो पूरे। अच्छा टंकी भैया वो बात तो बताओ जिसके लिए मिठाई खिलानी है। जी जी मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मेरी तरफ से तो बात पक्की है। हाँ? वो लोग और वो मेरा घर बार और मेरा बिजनेस देखना चाहते हैं, तो बात इतनी सी है बस। मुझे कह दे के कुछ दिन रुक जाए, मैं बाद में दिखाऊंगा, ऐसा कह दे उनसे। कितना बोल लूं रुकने को, 20-25 साल बोल दे, उससे पहले तो तू अपना घर बनवा ना पाएगा। इलायची के पापा ऐसा क्यों बोल रहे हो,
ही है। बात घर की भी ना है। हुँ? जी जी उन्हें पता चल गया मैं कोई काम धंधा ना करता हूँ तो टाटा बाबा करके निकल जाएंगे। मैं क्या चाह रहा हूँ कि थोड़े दिन के लिए अगर तुम लोग चाहो तो ये कह दो कि ये घर मेरा है और 420 बंसल की जो दुकान है वो मेरी है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बस और क्या, इतनी सी बात? हाँ इतनी सी बात है। अरे इतना सा झूठ बोलने में इलायची के पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों जी? चुप रे, फर्क पड़ेगा, बहुत भारी भरकम फर्क पड़ेगा। मेरी पुश्तैनी दुकान है, मेहनत से काम करता हूँ उसमें, और इस मनुष्य का नाम कर दूं? बात कर रही है बेकार की। मैं दुकान नाम करने के लिए ना कह रहा हूँ, अरे मैं थोड़े दिन के लिए कह रहा हूँ कि भाई झूठ बोल दो, बाकी की जुगाड़ तो मैं कर ही लूंगा। तो दुकान की भी जुगाड़ कर ले, मैं ना करूंगा, झूठ में मैं तेरा साथ ना दे रहा, चल। जी जी ये आदमी हमारा घर ना बसने देगा किसी भी कीमत पर, छटंकी का कुछ होएगा ही ना, ऐसी रह जाएगा खाली। अरे रो क्यों रही है, तब रो रही हो जब इसका रिश्ता टूट जाए।